कोरोना संक्रमण के बीच में पटना एम्स में एक वैक्सीन का ऐलान किया गया है और इस वैक्सीन का सोमवार से ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। आखिर ये किस प्रकार वैक्सीन काम करेगा, आखिर ह्यूमन ट्रायल में क्या होगा, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रभात रंजन है। सर, ये कैसा वैक्सीन है ये? ICMR और भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया कंपनी के साथ मिलकर एक वैक्सीन किया गया है जो एनिमल मॉडल को पास कर चुका है और अब इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हुआ है। यदि भारत इसको बनाने में सफल होता है तो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना होगी, क्योंकि आपका जितना बड़ा पॉपुलेशन है उसमें बिना इसके कोई संभव नहीं है दूसरे मेजर से इस पर काबू पाना। और ह्यूमन ट्रायल में सबसे बड़ा बात क्या होता है, क्या कि जब आप एनिमल मॉडल से निकल जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो ह्यूमंस को एक स्पेसिफिक डोज दिया जाता है और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्संस बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट डोजेज दिए जाते हैं और किस डोज पे उनको कितना इन्फेक्शन हुआ या सिम्टम हुआ या नहीं हुआ और कितनी इम्यूनिटी डेवलप की गई उसकी असेसमेंट की जाती है ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्टों के थ्रू। तो ये फाइनल जो डोज पे उनका इम्यूनिटी कंफर्म होता है कि इस डोज पे इम्यूनिटी सस्टेन करेगी और इन्फेक्शन नहीं होगा वैसे लोगों को, तो वैक्सीन में वो फाइनल डोज मार्केट में आता है। तो हमें क्या लगता है कितने दिनों में जो ट्रायल होगा, इसका रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, तब हम मान सकते हैं कि वैक्सीन कारगर हुआ? ये एक्चुअली तीन फेज में इस तरह के ट्रायल्स लोग करते हैं, तो ये अभी फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है, इसके बाद दो फेज और होगा, तो मान के चलिए कि अभी दो तीन महीने और लगेंगे। बिल्कुल, पटना एम्स में जो वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा वो तीन फेज़ का होगा। पहला फेज़ कल से शुरू होगा और तीन फेज़ के बाद, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दो से तीन महीने लगेंगे, उसके बाद यह सुनिश्चित होगा कि यह वैक्सीन कितना कारगर हुआ है कोरोना को रोकने के लिए। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।